भिक्षाम देवी बेटी कुछ भिक्षा दो। अलोक निरंजन आटा ले बेटी। आटा ले आऊं बाबा? बेटी हम आटा तो लेते नहीं है। तो बाबा गेहूं तो हमारे चक्की पे पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा गेहूं तुम्हारे चक्की पे पड़े हैं। तो बेटी ऐसा करो कुछ दक्षिणा दे दो ऐसे। अरे बाबा दक्षिणा मेरा पति दिन रात पीता रहता है, दक्षिणा क्या दूं तुमको मैं? दिन और रात बस पी के पड़ा रहता घर में ही। बेटी तुम्हारे घर में तो अनेक पैसे गड़े हुए हैं और जेवरात हैं और तुम कहती हो कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। पैसे मेरे घर में कहाँ से आए बाबा? हाँ मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, खाने को तो है नहीं। हमने अपने मन की आंखों से और अपनी शक्तियों से पहचान किया है कि तुम्हारे घर में रतन गड़ा हुआ है। अच्छा बाबा। हाँ बेटी इसके लिए तुम्हें कुछ यज्ञ कराना पड़ेगा। अच्छा बाबा कब कराना पड़ेगा यज्ञ? बेटी ऐसा है अमावस्या की रात को मैं आऊंगा और तुम्हारे घर पे हवन करूंगा। जब तुम्हें पैसे मिलेंगे बहुत जेवर है उससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे खर्च? हाँ बेटी बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो ऐसा है कुछ पैसे का प्रबंध कर लो और अमावस्या की रात को मैं आऊंगा और तुम्हें मालोमाल करवा दूंगा। ठीक है उसके भी कुछ उपाय है, उपाय बता के जाऊंगा अमावस्या की रात को और हवन करूंगा और तुम उसको करना उपाय को, फिर उसके बाद देखना तुम पैसों से ऐसे हो जाओगे बहुत अच्छे खासे। ठीक है बेटे तो कुछ इसमें अंदर से पैसे वैसे लाके अभी लाती हूँ। ठीक बेटी पैसे वैसे तो मुझे ध्यान आया कि पैसे तो कुछ है नहीं, ये कंगन है मेरे पास। हाँ बेटी तो ऐसा करो ये डाल आप दो, ये ले जाओ इसमें से थोड़ा मैं पूजा का सामान एक और डाल दो तो मैं थोड़ा तुम्हारे पूजा का सामान ले आऊंगा अमावस्या की रात के लिए। ठीक है बेटे अलग निरंजन अरे राधे श्याम अलग निरंजन इधर तक आते आ रहे हो? अरे बेटे मैं इधर ही, हमारी क्या है बहता पानी है, जहाँ बह जाए जहाँ मोड़ आ जाए वहाँ चल देते हैं हम। अच्छा? हमारा कोई ठिकाना थोड़ी है, कहाँ पे कौन मिल जाए कहाँ पे कौन मिल जाए कुछ ज्ञानी बाबा आओ तुम। बस राधे राधे राधे। मेरा हाथ देख के बताइए ना बेटे हाथ। हाथ हाथ देखो मेरे मैं देख रहे हो। हाँ बहुत अभी तो बहुत परेशान है। परेशान मगर परेशानी ज्यादा नहीं, एक हफ्ते में तेरी परेशानी ठीक कर दूंगा बच्चे। का करना पड़ेगा आगे? उसके लिए तो तुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा मगर तू ठीक हो जाएगा। जो तेरे ऊपर परेशान बीमार नहीं है, बीमार नहीं है बच्चे फिर? मगर बीमारी की संख्याएं आने वाली हैं तेरे, ये देख रहा है? हाँ। ये रेखा जो कट हो रही है कारो कारो है का? हाँ बस यहीं से तेरे को कोई... तो मैं अपने आप देख लूंगा आप। अरे यार हम तुझे बता तो रहे हैं सही सही। अच्छा। मगर तू इससे ठीक हो जाएगा नहीं तो आने वाले समय में तेरी तबीयत गिरती जाएगी और तू ठीक नहीं होगा। और मगर हम उपाय जो बताएंगे उसको करेगा तो ये संकट आने वाले नहीं है तेरे ऊपर। तो बाबा फिर उपाय बताओ। उपाय और एक और सुनो, हमारी भैंस है ना वो ब्याह गई है, वो दूध कम दे रही है। हाँ तो बेटे बगैर उसके तो कोई भी नहीं कुछ करता है, ये देख रहा है तू खिलाएगा नहीं तो भैंस क्या दूध वैसे दे देगी। जैसे कि तू हमें कुछ नहीं देगा तो हम क्या तेरा भविष्य वैसे बता देंगे। जब तक तुम ज्यादा दूध दबाओ 10 लीटर। अरे सब दिलवा दूंगा मगर कुछ इसमें कुछ दान पुण्य तो कर। जब ही तो होता है ये काम। बाबा फिर काम के ना तुम जाओ, चल जाओ काम करो जाओ। निरंजन बाबा राम राम बाबा। अरे राम राम राधे श्याम राधे श्याम। और बच्चा कैसा है तू? आज बाबा बढ़िया कृपा दृष्टि तुम्हारी। अच्छा अच्छा कहाँ पे आ रहे थे? अरे बस हमारी क्या है बेटे कभी इस गली कभी उस घर कभी उस घर, जहाँ मिल जाए वहीं बसेरा है। चलो तो अब जाओ, छोड़ो मेरे दिना देख के बताओ मेरे दिन कैसे चल रहे हैं। दिना देख के बताऊँ
साफ कर रहा हूँ बेटे। बाबा काम कर रहा हूँ, थूक रहा हूँ, थूकनी मार रहा है। हमको हो गया यार? अरे ना भग रहा है यार, देख रहा हूँ। हवा का दे यार, आ देखो मेरा भग रहा है। भग रही रहा, तुझे नहीं मालूम। अबे उल्टी की टेबलेट ले लो बाबा। अरे बेवकूफ, इससे भगना नहीं कहते, इसको कहते हैं साफ देखना है, देखना। तुम चश्मे जब इतने लगाते, हम इतने बड़े बूढ़े हो गए, चश्मा नहीं लगाया आज तक बाबा। तुम्हें दिखता कम है, और हम फूंक मारते हैं तभी हमें क्लियर दिखता है कि आदमी के क्या चल रहा है। का है ये तेरे हाथों में चटाई सी जो बुन रही है, इससे मालूम पड़ रहा है कि तुझे कल परसों कुछ कहीं से रजाई गद्दे मिलेंगे। और सुन, ये जो देखा देख रहा है ये वाली, इसमें तेरे यहाँ पर रुकावट आ रही है पैसे के। अच्छा, वो पैसा तुझे हम दिलवा सकते हैं तो दिलवाओ। दिलवाएं? दिलवाओ। मैं कहीं हूँ बेटा, इसमें कुछ दक्षिणा डाल दे। काय में? इसमें। क्या कैसी बात कर रहा है बाबा? मजाक समझ रहा है हमारी बातों को तू? मैं मजाक नहीं समझ रहा। हमारी बातों को मजाक मत ले, चल तेरे बस की नहीं है कुछ। अरे तो तुम कचूड़ा दे पाओगे? टोना जाओ हटाओ जाए, और जे कचूड़ा दे रहे अब काय का पैसा मांगे वाले बाबा तुम का। चला हेलो अरे पूजा, अरे कान गई ना है। हाँ जी। और का आयो भीतर? कुछ नहीं, बस बैठी थी। अच्छा, कोई आया तो ना हो या? नहीं तो ना, मेरे पीछे कोई आया हो? हाँ आया था, एक बाबा आया था। बाबा? हाँ, हमारे घर में बहुत सोना गड़ा हुआ है। सोना गड़ा हुआ? हाँ। पता सारे आवाज हम रहती लगा। अरे हमें नहीं पता कहाँ गड़ा हुआ है, वो तो वो बाबा ही जाने। वो कह गया कि मैं वापस को आऊँगा और यहाँ हवन ववन करवाएगा, हवन से शुद्धि प्राप्त करेगा घर में, और फिर उसको सोने को निकाल के दे देगा हमको। तो निकले हो कैसे वो? अरे वो खुद निकालेगा, हमें क्या पता कि कैसे निकलेगा। अगर हम रहते निकाल रहे हो, हम रहते मैं निकाल दूँ बोला। अगर हम इतना जान है तो हम ऐसे तो पूरा बातें जे पूछ लेती, कहाँ पे कर रहे हो? ऐसे कैसे मांगना, ऐसे कैसे बता देगा वो? तो वो ढोंगी बाबा तो वैसे ही हो। नहीं ढोंगी ढोंगी नहीं है, बहुत सिद्धि प्राप्त करा हुआ बाबा है वो। कैसे हो? कैसा हो? लाल कपड़े पहन रखे थे उसने, और बड़ी बड़ी दाढ़ी यहाँ तक कि वहीं कह रहा था कि मैं हरिद्वार से आया हूँ। हरिद्वार से आओ? हाँ। एक बाबा मोह मिलो आ रहे हो तो वो? हाँ वो आएगा, अमावस को आएगा। चल तो चल देखें बाबा। हाँ ठीक ठीक। अरे घनश्याम, घनश्याम। अरे चाचा राम राम। राम 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 राम। हाँ कहाँ गए? सोचो रे जी बताए मुए, तुम्हें पैसा कब देखो? बताओ पैसा ऐसे मिल जाएंगे कान पकड़ देगा? अरे तेरे तो हलक में तो पैसा निकाल दूंगा। पैसा मिल जाएंगे तुम लेकर भाग रहा हूँ मैं। वैसे एंट के मत बोले घनश्याम, बता रहा हूँ तो मैंने काट रहा हूँ, तो मैंने इज्जत में पैसा दे दें जाको, मतलब जीना है तू मेरी इज्जत को फायदा उठावे को उठा लूंगा। तुम्हारे पैसा पैसा कम जा रहा हूँ या घर छोड़ के भाग जाऊंगा, एक धच्चिया उड़ा दूंगा बता रहा हूँ मैं। पैसा आए मारो मेरे पास कहाँ से आएगा? बस से होते ऊपर पैसा कम से आए। अरे लल्ला एक बात बता कहाँ से आएगा? मुँह बता। पैसा आवेगो कहाँ से आवेगो? मेरे घर में गड़ रहे हैं पैसा। काय को चूतिया बना रहे हैं घर में गड़ रहे हैं पागल भागा। सुनो पहले, एक बाबा आयो मेरे घर। अच्छा, और वो नो कह रहे हो कि तेरे घर में सोने चांदी का कट्टा लग रहे हैं। दे सारे काय को बाबरे बने फिर रहे हो, बर्बाद है जाओगे बर्बाद। ओ वहाँ पे बैठो सांप। हाँ हाँ, अब चाचा डर के मारे तब मैं उन्हें जा रहा हूँ ना। बड़ो वालो सांप तो बैठो ना, इतना बड़ो है। और बाबा हटा दे वो सांप है, सोई लेकर आएंगे पैसा आ जाएंगे। तो घनश्याम मैं तो क्या बता रहा हूँ लला, जब बर्बाद है जाओ, जब बाबा भड्डरी के चक्कर मत पड़े लला, मैं तो बता रहा हूँ। और अगर तू इनके चक्कर में पड़ गो तो सारे देखियो टोपी में तो चांद के बांध ना रंगे देखियो। अरे हमारी बहू बता रही नौके जी। अरे बहू बताए जब तू बताए, तू सारे कौन सो कमती है हैं? तो देख लो लंदो आ तो जान दो बाबा। अरे सुन ले ओए घनश्याम, बाबा स्कू में मालदार है जाऊंगा। सुन ले ओए, तुम तो ज्यादा मालदार। अरे तू मालदार हो चल लखपति चंद हो, मोबा से कोई मतलब ना है। हाँ? वो अपने 2200 रुपए मतलब है। सुन ले अब तो 2200 रुपए मिल जाएंगे तुम्हें मावस के बाद। एक रुपया सारे का तूने मेरे पैसा ना दे। हाँ? तो देख जी ऊंट बंदर होना है तेरा। हाँ? सारे उठा के ले जाके अलीगढ़ में बेच आऊंगा, बता रहा हूँ। बेच कब आओगे? पैसा तो मतलब ऊंट से मतलब है। अरे बता रहा हूँ देख घनश्याम, तुमने मुझे पैसा दे ऊंट दो। बहस मत करे मुझे, मैं बता रहा हूँ तुम आले में। मैं बहस कर रहे हो, तुम आए हो दे सुन ले। मैं अच्छा खासा भैंसिया काट रहा हूँ, भुजमा लठ मार रहा हूँ।
कहते हैं कि ऊपर को थूकत ना तो ऊपर को थूक अपने बाप ही मोपे गिरतो है। हाँ। और देखियो तू थूक रहो ऊपर को तेरा थूक तेरे मोपे गिरे हो। हम वो काम करन दो और पैसा मिलेंगे वापस के बाद। अब तू चलो जा सारे, मैं बता रहा हूँ देख रहा बाबा भट्टरी बच के रही हो देख रहा। अरे यार अब जेऊ तो फिर मैटर है कि भाई ये बाबा बाबन को तो पता नहीं रहता है, कभी इतने तो कभी इतने रमता जोगी बहता पानी है। लेकिन मोए काम वो सारे अपने पैसों के मतलब घनश्याम वो अपने पैसा दे दोगे मैं निकचू और सारे घनश्याम में देख लो वैसे कौन से सारे पैसा मिलने लगड़ भग गए सारो जे सारो देखियो गाँव दिन जे घनश्याम जे बाबा बड्रीनी के चक्कर में आ गए खुद डूब पड़े वो लुटिया गुड वाले हो अपनी सारे देख तू। और वैसे तो मेरे पैसा जब जे जाने अमावस्या कह दी है ले भी आऊँगा सारे की नहीं पी लूँगा जहाँ लटिया। निरंजन अरे बाबा राम राम बेटी आप और, आ गए बाबा। हाँ आ गए बेटे, हम तो देख ले वादे के पक्के हैं आ गए तेरे दरवाजे पे। चलो बाबा फिर आप हवन वावन के चलो चलो फिर टाइम हो रहा है बेटे। हाँ, चलो ठीक बेटी जी। बाबा ऐसा है कि हवन में यही करूँगा। अच्छा तो ऐसा है जो भी सामान है घर पे। हाँ। जैसे सोने का चांदी का पीतल का जो भी है। अच्छा। अपने जो महंगे से महंगा सामान हो वो यहाँ के रख दो, नहीं रखा क्यों बाबा उसकी क्या जरूरत पड़ेगी वैसे? बेटे उसकी मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत तुमको है, तुम्हें पैसा चाहिए जेवर चाहिए। क्यों कि वो जब मैं हवन करूँगा जब मैं गड़े हुए को उखड़वा सकता हूँ तो इसको भी भगा सकता हूँ तो ये भाग जाएगा तेरा सोना। अच्छा, जो भी तेरा महंगा सामान है ना सब चला जाएगा, यहाँ रख दे जब तक मैं अपनी धुनी के लिए यहाँ पे व्यवस्था करता हूँ। ठीक है बेटी जल्दी आना। हेलो अब देखता हूँ ये कैसे नहीं आती मेरी चाल। आई बेटी इसमें सारा सोना है। अच्छा 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 और बाबा हाँ, ये भी है ये भी। हाँ बेटी ये भी डाल दो, कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए तुम्हारे पास जो तुम्हारी सोने की हो चांदी की हो इसमें डाल दो सब। लो बाबा और तुम आराम से बेफिक्र होके अपने कमरे में चले जाओ, मैं अपने यहाँ पे धुनी जमाऊंगा। ठीक है बेटी, और जब तक मैं आवाज न लगाऊं बेटी जब तक न तुम न तुम्हारा पति न कोई अन्य आदमी यहाँ पे आए। ठीक है मैं सुख शांति से अपनी करना चाहता हूँ और जगह बता दूंगा जब तुम अपनी खोद लेना, जितना चाहे उतना ले लेना बेटी। फिर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारा पति लाखों में एक हो जाएगा फिर। ठीक है बाबा। ठीक है बेटी आराम से करिए। ठीक है कोई आए ना इधर बना दिया बेटी। चलो ये तो गए अब मैं भी चलता हूँ, बाद में आएंगे देखेंगे बाबा है ही नहीं है चले गए, मैं भी चलता हूँ जो देना था सब ले लिया। ठीक है। अरे पूजा अरे कहाँ गई कहाँ है वो? तुम यहाँ पे कैसे? यहाँ तो बाबा बैठा था। बाबा बाबा बैठो बाबा दिखे हाँ बाबा यहाँ। हाँ तो माल फाल बताओ लाल कार गला कहाँ है? अरे माल फाल की पड़ रही है तुम्हें, मेरे कंगन और लेके चला गया। कंगन कहाँ है तेरे? ऐसा तो नहीं है तुम ही करे आए हो कहीं पे? मैं कहाँ करे आओ, मैं तो अवाल आया हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं था? मैं मैसिया बांध का आया हूँ अवाल। और जो बता कछु और कछु ले वो और कुछ? मैं तो सब कुछ ले गया वो। सब कुछ ले गो? और का ले गो? घर का जितना जेवर जाए सब कुछ ले गया। तने मरवाए अब बाबा कितना हुआ फिर? मुझे क्या पता, मुझे तो यूं कह गया था घर में अपने आदमी को और आप तुम मत आना निकल के, मैं यहाँ पे ही तपस्या कर रहा हूँ। तो तेरी फूट गई जब तो भीतर कर रहा हूँ तू जहाँ बैठती बाबा के संग। अरे तो मुझे क्या पता थी वो ऐसा करेगा यहाँ पे? ऐसा करोगे अब दूसरा आदमी आ रहा होगा पैसा ले। अब बात का कहूँ मैं, आज की कह दिया माने मुझे। मैं क्या करूं, उसने तो ये कहा था कि बहुत सारा सोना गड़ रहा बहुत सारा सोना गड़ रहा। तो माने कसू दो निकाल के? कुछ भी नहीं दिया उसने तो। कसू निकाल के दो ना तेने और वो दे दे कंगन भंगन सब दे दे भाई। वो मुझसे यूं कह रहा था सब कुछ दे दे नहीं तो इसको भी गायब कर दूंगा। इसको भी गायब कर दूंगा वो पैसा ले आएगा बाबू बात कहा कहूँ ये बता दो मुझे। मुझे नहीं पता जी आप ही संभालना कुछ भी, अब हम क्या करें बताओ। चल तू भीतर जा मैं देखूंगा बाबा। चल अरे घनश्याम अरे कहाँ रे तो तू लखपति है वो लखपति है वो आपका तू लखपति का वो बाबा आयो ना पैसा दे हमारे पैसा पैसा दे सट्टी बट्टी गुल मत करे नहीं सारे मोर मोर था पुक रहो तुम तो चाचा पसंद ले कहाँ कह रहो ढीक है डटुआ तूने वो इतने दिन तड़प आया पैसे के मारे आहा सुन तो ले कहा तुम्हें
बाबा आयो घर है। अच्छा मेरे पीछे। हाँ और बहू तो न कह रो क्या मैं यहाँ हवन कर लूंगा तू जा कोठे में। अब तू ज्यादा तड़पा रहा हो ना चाचा परसों तुम्हारे पक्के हैं सारे। एक तो मेरा नुकसान है वो इतना। अब बाबा सवर लूट के ले गो ठीक है टटुआ सवर तो कंगन ले गो तो कुछ सामान हो सब ले गो तो लट्ठन के मारे ठिकाने का दो सारे। तुम्हारे 2200 रुपए के चक्कर में तमाम नुकसान है। अरे मेरे चक्कर में काई को है तू ही कह रहा हूँ। हम लखपति होंगे साहब लखपति है क्या लखपति। अब दीकर सारे नोट चिड्डा तुम्हारे घर में सारे या तुम बादल परेशान कर रहे आते और ना मैं हवन करवाते। अरे तो सारे हवन करवा तूने बहुत पूछ के करवा। अब सारे तेरे ऊंटा ले रहा हूँ मैं। आजा चाचा रुको फूट फूट का तुम चाचा चाची मत करा सुनना घनश्याम। चाचा तो मार ले माफ कर दो ना माफ 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 ना कर तुम्हें ले लगे पेंट। ओए रुल्ला घनश्याम पेंट लगे चाहे बैठ लगे मुझे मतलब नहीं मुझे ऊट से मतलब। सुनो चाचा सुनो काय आज आज की मान जाओ काय मान जाए आज आज की मान खाना ना मान जाए कल आलू की बोरी बेग भेजाऊंगा पेट। अरे तू आलू की बोरी बेग टमाटर की बोरी बेग प्याज की बोरी बेग कद्दू की बोरी बेग या घुइया की बोरी बेग मैं क्या मतलब है। अरे इतनी सब्जी तो मैंने करी ना सारे लटियन के मत बात सारे तेरो आलू की बोरी बेग क्या पेट में परसों आज पैसा ले मैं ऊँट ले जाओ ऊँट मत ले जाओ ज्यादा पुच्छ पुच्छ मत करो अपने बचपन में जितना मैं बुढ़ापे में पी लो। चाचा मैं अब परेशान हूँ मेरा है दिमाग खराब। दिमाग खराब हो कपड़िया खराब हो मुझे नहीं मालूम। अगर तू परसों की कह रहा है तो मुझे परसों पैसे चाहिए परसों ले लियो सारे टोपी तो बाहर उड़ा दूंगा तेरे। बिल्कुल उड़ा दूं सब। मेरा मूड खराब है आज परसों ले लियो रो ना आ रहा हूं तुमसे ज्यादा मेरा मूड खराब है सब लूट लोगे बाबा सारे ऊटे ले जाओ जाओ परसों ले लियो ठीक है सारे तू ले जाओ पेट कर बे जाओ बोलो बोलो घर रो नहीं आऊंगा दूंगा तो पैसा आज दोबारा।